हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। जिन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मेरा जो फैमिली जो है रिवॉल्ट जो ईवी सॉल्यूशंस जो है सब 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सच लगा नहीं था इतनी बड़ी फैमिली ग्रो होगी, और भी इतने कम वक्त में बहुत खुशी हो रही है। सो बारिश का सीज़न है, सुबह से आई थिंक सो मुझे 6 से 8 कॉल्स आए हुए हैं, जो जिनमें से मतलब मैं आंसर किए 6 से 8 कॉल। कॉल्स तो बहुत आए पर मैंने नहीं आंसर किए, ऐसा है। तो जैसे बारिश गिर रही है तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया गाड़ी में। ये मुझे ओकिनावा में प्रॉब्लम नहीं आए थे, पर ये रिवॉल्ट में आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आता है। तो क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो कैसे हैं मैं बताना चाहता हूँ। ये रेनिंग सीज़न के लिए स्पेशली है। रेनिंग सीज़न में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एरर 95 है। मुझे भी आया हुआ है शायद से, अभी देखते हैं एरर 95 है मेरा या नहीं है। तो अभी नहीं आ रहा, पर नॉर्मली एरर 95 जो है मुझे आ रहा था। तो अगर आपका भी एरर 95 आ रहा है, एरर 95 या फिर थ्रोटल छोड़ देंगे आप तो भी आपकी गाड़ी आगे मूव होते रहेगी, दोनों सिनारियो में जो है वो आपका थ्रोटल का प्रॉब्लम है। ये तो ये कैसे ओपन करना है, इसका वाटरप्रूफिंग कैसे करना है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है बना चुका हूँ। आज शायद मेरा फर्स्ट वीडियो है, उसके अंदर मैं क्लियरली बताया हुआ कैसे इसे खोलना है, कैसे साफ़ करना है। वो आप साफ़ कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर अभी आप कहोगे कि यार मैं अटका हुआ हूँ, कहीं फंसा हुआ हूँ, तो मैं कैसे क्या करूँ। मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं कहीं पे बाहर गया हूँ और गाड़ी का ऐसे एरर 95 आ रहा है। एरर 95 जब आएगा, यहाँ पे एरर दिखाई देगा और एरर 95 आएगा, उसमें गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है, गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी नहीं। तो कैसे सॉल्व करना है एरर 95 का टेम्पररी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बाइक जो है बंद करनी है, ठीक है, बाइक बंद करनी है आपको। किल स्विच जो है यहाँ से भी आपको गाड़ी बंद करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, गाड़ी ऑन करनी है। गाड़ी ऑन करके किल स्विच ये ऐसे ही रखना है, यहाँ से ऑफ ही रखनी है गाड़ी। स्पीकर ऑन करना है आपको, सिर्फ स्पीकर ऑन करके आपको एक्सीलेटर देना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है, और चेक करना है आपका जो आवाज़ जो आ रहा है कम ज़्यादा हो। ये आवाज़ कब बंद होगा पता नहीं, पर ठीक है। तो आपका जो एक्सीलेटर जब आप दोगे तो आपका जो साउंड जो है वो कम ज़्यादा होना चाहिए। तो होना चालू किया और आप जब छोड़ोगे तो आपका आवाज़ जो है वो बंद हो जाना चाहिए। जैसे अभी है, आप देखिए ये है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो इस तरह आपको करना है, पूरा थ्रोटल देके छोड़ना है, पूरा थ्रोटल देके आपको ऐसे करना है। और फिर उसके बाद जो है आपको ब्रेक होल्ड करके रखना है, ब्रेक होल्ड करके फिर आपको जो है ये ऑन करना है, ठीक है, ये ऑन करना है और फिर देखना है, ठीक है, ऑन करना है, आपका एरर गायब हुआ या नहीं वो देखना है। फिर उसके बाद फिर से बंद करना है आपको गाड़ी, अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ फिर से गाड़ी बंद करना है। गाड़ी बंद करके जब आपका थ्रोटल आप दोगे और आपको फील होगा कि अभी थ्रोटल वर्क करना चालू किया है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो तब आपको क्या करना है, उस वक्त आपको बाइक जो है पहले यहाँ से ऑफ रखनी है, ब्रेक दबा के रखना है, और फिर आपको गाड़ी ऑन करनी है, और फिर आपको गाड़ी जो है वो नॉर्मली चलाने की कोशिश करनी है। इससे आपका एरर 95 जो है वो प्रॉब्लम टेम्पररी सॉल्व हो जाएगा और आपकी गाड़ी चलने लगेगी। ओके, वो क्यों आता है, यहाँ पे पानी जो जमा हो जाता है, तो जैसे मैं कहा था ये हॉल सेंसर है वो शॉर्ट हो जाता है, तो होता है प्रॉब्लम। ये इसी गाड़ी का प्रॉब्लम है, किसी और में नहीं है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आपका जो आएगा वो ये है कि एरर 98 जिसे मैं कहा था, वो आपका ब्रेक कट ऑफ स्विच ये ख़राब होना कॉमन है, क्योंकि यहाँ से पानी चला जाता है और गाड़ी लेफ्ट साइड में बेंड होने की वजह से पानी पूरा यहाँ पर जमा होता है। तो स्विच की क्वालिटी बहुत ख़राब है, और मैंने देखा कि स्विच के अंदर पूरा रस्टिंग हुआ है। एक्चुअली उसे गोल्ड प्लेटिंग करना चाहिए, गोल्ड प्लेटिंग करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है प्रॉब्लम आएगा, पर कंपनी ने वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग किया हुआ है। गोल्ड प्लेटिंग के जगह पे उन्हें नॉर्मल जो है मेटल रॉड्स यूज़ किए हैं, जिस वजह से वो वहाँ पे थोड़ा भी अगर कार्बन वगैरह या बारिश का पानी चला जाता है तो वहाँ पे रस्टिंग होके वो
फंक्शन करना बंद कर देता है। तो रिपेयरिंग का मेरा कोशिश चल रहा है वो स्विच का, अगर सक्सेसफुल होता है तो वीडियो बना दूंगा। नॉर्मली दो वो प्रॉब्लम्स आ गए। तीसरा प्रॉब्लम जो है जो मैंने देखा, बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही है या फिर फुल चार्ज दिखा देता है, मतलब 27% पे भी फुल बैटरी दिखा देगा या फिर बैटरी। तो उसमें आपको एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो आपका वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि बारिश के सीजन में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होता है। तो आप स्टेबलाइजर यूज़ कीजिए और देखिए चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कुछ यूज़र्स ने मुझे बताया कि उनका जो है यहाँ पे ज़ीरो मोड का एरर आ रहा है। ज़ीरो मोड का एरर जो है नॉर्मली कंट्रोलर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मोड जो चेंज करते हैं, देखिए ओके तीन मोड है। तो अगर आपका यहाँ पे ज़ीरो मोड आ रहा है, गाड़ी आपके आगे बढ़ेगी नहीं, उस सिनेरियो में आपको दो चीज़ें हैं जो कर सकते हैं आप। पहले तो आपको क्या करना है, बैटरी निकाल के रखनी है आपकी, ठीक है। एक घंटा या दो घंटा भी लग सकता है, मैं तो रेकमेंड करूँगा नॉर्मली आपको तीन घंटे तक गाड़ी आपकी बैटरी निकाल के रखनी है, ताकि आपका पूरा जो कंट्रोलर जो है ये पूरा रीसेट हो जाए। एक बार कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद जो है आपको ट्राई करना है फिर से प्लग लगा के और देखना है कि आपका वर्क कर रहा है या नहीं, ज़ीरो एरर आपका सॉल्व हुआ या नहीं, ठीक है। वो एक है। चौथा जो प्रॉब्लम जो आ रहा है सबसे, वो पार्किंग मोड से गाड़ी हट नहीं रही है। बहुत सारे यूज़र्स का स्विच फोन आ रहा है, पार्किंग मोड में गाड़ी स्टक हुई है। तो आपको क्या करना है, देखिए पार्किंग मोड में आपकी गाड़ी अटकी हुई है, मोस्टली आपका ये किल स्विच का प्रॉब्लम आ जाएगा, ओके। तो आपको किल स्विच का एरर अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए वही है, आपको ये कंसोल चाहिए, ओपन करना पड़ेगा। उसकी वीडियो मैंने लिंक में दी है, वहाँ से आप ओपन करके इसे साफ कर लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम फिर भी चलेगा तो आप वाटरप्रूफिंग करा सकते हैं, इसके लिए कोई कवर भी वो डाल दीजिए तो शायद इम्प्रूव हो सकता है। एरो 95 के लिए कवर डाल के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी जो है यहाँ से चला जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पांचवा इशू जो है मैंने देखा जो है वो ये तो 95 ये है, चार्जिंग रिलेटेड इशू देखा ये नहीं, फ़िलहाल तो मुझे तो इतनी बातें क्लिक हो रही है। तो देखिए सभी चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी लिंक वीडियो बनाए हुए, तो आपको भी अगर दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो क्या कीजिए, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके मेरे वीडियोस चेक कर लीजिए। एंडिंग में शायद थ्रोटल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो चेक कीजिए और आपका प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। ये जो चार्जर चालू करने का बोल रहे हैं उसका तो रिक्वेस्ट आया हुआ है, वो मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे सच बोले तो टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उसे रिपेयर कर पाऊँ, रिपेयर नहीं उसके लिए मैं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा हुआ है जो जिससे हो जाएगा सॉल्व। सो आई होप सो कि जल्द से जल्द मैं वो करा सकूँ, ओके। एरर 95 में आपको वही करना है, लेकिन गाड़ी बंद करनी है, गाड़ी थोड़ी मूव करके देखिए, ओके, और देखिए जो भी है। और फिर से अगर आपको चाहिए होगा तो मैं एरर रिलेटेड वीडियो जो है वो बनाना शुरू कर दूंगा, वो अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं बना दूंगा, उसका इशू नहीं है, ऐसा है। तो हो सकता है कि थोड़ा आपको वक्त टाइम लगे, पर बना दूंगा उसमें वीडियो आपकी गाड़ी। हाँ, और एक कॉमन प्रॉब्लम ये आया था कि डिस्प्ले फ्लिकरिंग का बहुत इशू आ रहा था, उसके भी शायद एक या दो लोगों ने मुझे बताया कि डिस्प्ले फ्लिकरिंग है और गाड़ी जो है वो चालू नहीं हो रही वगैरह। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्प्ले फ्लिकरिंग और गाड़ी एबनॉर्मल बिहेव करे तो क्या है। उसके लिए आपको फ्यूज़ चेक करना है, क्योंकि पानी में से जब गाड़ी गुजर रही है तो फ्यूज़ कभी कभी कार्बन पकड़ रहा है या फ्यूज़ लूज़ हो रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो उसकी वीडियो भी मैं लिंक में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगी। तो देखिए हर चीज़ के लिए मैं वीडियोज़ बना दी है, अब बस एक ही है कि ये कट ऑफ स्विच जो है यहाँ पे वो कैसे रिपेयर करना है, उसी का मैच चल रहा है। तो देखते हैं, उसका मैं कोशिश चल रहा है, अगर हो गया सक्सेसफुल तो उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तब तक कोई बात नहीं, गाड़ी अच्छी है, आप चलाइए, देखिए थोड़ा बारिश में भिगाइए मत, ट्राई कीजिए कि मत ना भीगे ज़्यादा, पर फिर भी अगर कुछ होता है तो मैं हूँ, और इन्जॉय कीजिए रिवॉल्ट को। वैसी बात नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है कहीं पे भी हर चीज़ का। ये अगर आपका ख़राब है थ्रोटल तो एरर 95 आएगा, या फिर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो वो आपका थ्रोटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो खोलिए, खोलने का पूरा वीडियो मैंने दिया हुआ है, देखिए वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। डिस्प्ले फ्लिकरिंग है, उसका वीडियो बना चुका हूँ, फ्यूज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो, जो आपका 72 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर जो है उसका प्रॉब्लम है वो।
स्टेप डाउन कन्वर्टर का, वहाँ पे आप वो चेक कर लीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एरर 98 वगैरह आ रहा है तो कट ऑफ स्विच आपका ख़राब है, तो उसके लिए मैं जैसे आपको कहा फर्स्ट मोड पे गाड़ी चलाइए, ब्रेक दबाने से पहले पूरा थ्रोटल रिलीज करके ही ब्रेक दबाइए। बाकी और भी कुछ इशू आता है तो फील फ्री एंड कॉन्टैक्ट मी, और बारिश के मज़े लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बहुत सारे यूजर्स का फ़ोन आ रहा था तो इसलिए सोचा चलो उनका जो है रेक्टिफाई करता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता उनको ऐसे प्रॉब्लम में देखते हुए, तो फिर भी ठीक है। देखिए कुछ अगर आपका और प्रॉब्लम होता है तो श्योरली में मैसेज कर लीजिए। और देखिए जीरो मोड के लिए बैटरी निकाल के रखिए, एक रात आप बैटरी निकाल के रखिए और फिर देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। अगर बाय चांस फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको क्या करना है बता देता हूँ। बैटरी प्लग जो है वहाँ पर WD-40 मारी है, ओके मैं बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर क्या करना है। पर कंपलसरी आपको बैटरी 6 घंटे तक, अपना एक रात या 6 घंटा एटलीस्ट पकड़ लीजिए, निकाल के रखनी है। मैं खोलता हूँ ज़रा बैटरी को, दिखाता हूँ आपको। बैटरी जीरो अगर आपको एरर आ रहा है तो जो है कंट्रोलर रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर फिर भी MCB ऑफ कर लीजिए। ऑफ करके बैटरी प्लग निकालिए, बैटरी प्लग निकाल के यहाँ पे WD-40 मारी है, ठीक है, और यहाँ पे भी WD-40 मारी है, और उसके बाद जो है 2 या 3 सेकंड तक रुकिए। तीन सेकंड रुकने के बाद प्लग लगाइए, ठीक है, और फिर ट्राई कर लीजिए आपका बैटरी जीरो इश्यू सॉल्व हुआ या नहीं देखिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैटरी जीरो के लिए कंट्रोलर रीसेट होना ज़रूरी है। कंट्रोलर रीसेट होने के लिए 6 घंटे से कभी कभी 8 घंटे भी लग जाते हैं, तो आपको पूरी रात बैटरी डिस्कनेक्ट करके आपको रखनी है आपके बाइक की, ठीक है, और उसके बाद WD-40 मारिए और लगा दीजिए, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। अगर नहीं हुई तो आप मुझे बताइए, मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ कि किसी अगर यूज़र का बैटरी ज़ीरो वाला है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो रेक्टिफाई करने का। एक्चुअली मेरे गाड़ी में वो अब तक प्रॉब्लम नहीं आया इसलिए अब तक नहीं बता पा रहा, पर किसी और का अगर आता है तो डेफिनेटली मैं मदद करूँगा। और फिर भी अगर और आपका दूसरा अगर प्रॉब्लम जो आ रहा है कुछ लोगों का, वो है उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, रिमोट की बैटरी डाउन हो रही है, रिमोट को संभाल के रखिए क्योंकि बारिश का सीज़न है, रिमोट वाटर असिस्टेंट नहीं है, तो आपको रिमोट को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। पानी बिल्कुल मत लगने दीजिए, ऐसा है बिल्कुल भी आप जो है रिमोट को पानी मत लगने दीजिए, क्योंकि रिमोट को अगर पानी लग जाएगा तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। और उस सिनेरियो में कैसे करना है उसके लिए आपको इमोबिलाइजर बाईपास करना है, ठीक है। आप कहीं पे गए हैं और आपकी चाबी जो है वो ख़राब हो गई, पानी लग गया, तो फिर उस सिनेरियो में आपको एक ही ऑप्शन है, वो यही है इमोबिलाइजर को बाईपास कर लीजिए। तो इमोबिलाइजर बाईपास कैसे करना है उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो देखिए जो भी है ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को, आपको कोई और रिवोल्ट यूज़र आपको मिलता है आपके एरिया में, उनके साथ मेरा जो है चैनल शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर कोई तकलीफ होगी तो मेरी वीडियोस देख के शायद उनकी हेल्प बोलते हैं हो जाए, तो हेल्प कीजिए एक दूसरे को, और देखते हैं इसी तरह हम नेचर को बचा पाएंगे एक दूसरे की हेल्प करके। शुरुआत है पर देखते एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के हम कहीं ना कहीं सबकी मदद कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, कोशिश करता हूँ और कुछ इश्यूज आएंगे तो रेक्टिफाई करने का। तब तक के लिए जी आप अपना ख्याल रखिए और सबको बोलते हैं आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ, और मेरे मुस्लिम दोस्तों को जो है ईद मुबारक। तो संभाल के रहिए, संभाल के चलाइए, बारिश का सीज़न है, थोड़ा खुद का भी ख्याल रखिए और गाड़ी का भी ख्याल रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।